तलवार से पेट चीर कर बच्चा निकाल के दो टुकड़े करे हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या किए थे, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक एक जवान इस तरह रेप कर रहा है, 12-14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है, चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा माँ बचा लो। जिसको देख रहा है मजीद भाई, चाचा बचा लो, हम क्या बचा सके, ये नजर देखे रब को सुना रहे, हमारे आंसू निकल निकल के खून निकल गया है। मेरे बीबी बच्चे, 3 लड़के 3 लड़कियां और मेरी बीबी, ये मर गए हैं। हमारा लड़का पूरा 20% जला हुआ है, यासीन, और इस हालत में हम बहुत गम आता है, रोटी खाई नहीं जाती हमको, खाना नहीं खाया जाता, चैन से नींद नहीं होती, आंख मूंछता हूं तो याद आता, मैं किसको बोलूं, बोलने से तो आने वाले नहीं। आज भी डर लगता है? हमको डर यही है कि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। 2 वक्त धमकी मिली है, मेरे को धमकी मिली है, दूसरों का हम नहीं बोल सकते। आपके ऊपर उसके बाद भी जानलेवा हमला हुआ है? हाँ, उसके बाद भी हुआ है, 2 फेरी, 1 रस्ते में हुआ है, 2 फेरी मेरे घर पे हुआ है। ऐसा क्या हुआ था? यही कि बोले पैसा ले लो, कि नाम नहीं बताने का। सरकार तो क्या दी है, 35 लाख दिए, हम 4 करोड़ रुपया देगा एक को बोलने का, नाम नहीं बोलने का, नाम नहीं बोलने का कोर्ट में। हमने तो नाम बता दिया, हमको रुपया प्यारा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे प्यारे हैं, हम झूठ क्यों बोले। क्या किया अपने आप को संभालने के लिए कि रोज याद ना आए? सबर कर रहे हैं। आपको लगता है सब्र का फल मिलेगा? मिलेगा, हम तो जज साहब को बोला है कि जज साहब इसका अंत यही आएगा, जिसने करा है उसको सजा मिलना चाहिए, कि अंधा से नहीं कर सके। और गुजरात के अंदर क्या कहीं भी कोई भी गांव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको कुछ उन लोगों ने भी धोखा दिया जो हिंदू थे, जिन पर आप भरोसा करते थे? हाँ, भरोसा करते थे, उन्होंने धोखा दिया। हमारे बाजू में पड़ोस में रहते थे, एक साथ में मेले में रहते थे। कभी सोचा नहीं होगा आपने वो ऐसा करेंगे आपको? कुछ नहीं, जिंदा जलाए उन्होंने हमारी बीबी बच्चों को जिंदा। हमने बोला भी, गुड्डू तू ये क्या करता है? मुझे यकीन है मजीद भाई, इन 10 साल में आपने कई बार ये सोचा होगा कि इससे तो अच्छा होता मुझे मर जाते तो अच्छा था। सोचते हैं कभी कभी, मर जाते तो अच्छा था, ये देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अच्छा रहता था।